पिछले 24 घंटे में उड़ीसा में रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन स्कैटर्ड रहा, यानी कुछ कुछ जगह पे हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज हुई है। हाईएस्ट रेनफॉल हुई है मयूरभंज के बीजाटारा में 56 मिलीमीटर दर्ज की गई है। मैक्सिमम डे टेम्परेचर की बात करें तो झारसुगड़ा का 35.4 और भुवनेश्वर में 34.4 और कटक का 33.2 डिग्री सेल्सियस हाईएस्ट डे टेम्परेचर दर्ज किया गया है। अगर सीजनल टोटल की तो 1 जून से लेकर आज यानी 22 सितंबर तक अभी तक 1,009.7 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जो कि सामान्य से अभी भी 9% नीचे चल रही है। 10 डिस्ट्रिक्ट अभी भी डेफिसिट कैटेगरी में बने हुए हैं। मानसून से अगर सिनोप्टिक सिस्टम की बात करें, जो साउथ वेस्ट मानसून है उसकी जो कंडीशन है वो फेवरेबल हो रही है। कल 23 तारीख को वेस्ट राजस्थान के कुछ हिस्सों और कच्छ के कुछ हिस्सों से विड्रॉल के लिए मानसून ट्रफ की बात करें तो वो बीकानेर गुना सागर बिलासपुर चांदवाली से होता हुआ साउथ ईस्ट और जाता हुआ वेस्ट सेंट्रल बे बंगाल तक जा रही है। उसके बाद एक ईस्ट वेस्ट ट्रफ है जो कि आंध्र प्रदेश कोस्ट से साउथ कोस्टल म्यांमार तक जा रही है, जिसके अंदर की 2 अपर साइक्लोनिक एम्बेडेड है, जिसमें एक जो वेस्ट सेंट्रल बे बंगाल के ऊपर है, दूसरी साउथ कोस्टल म्यांमार और नेबरहुड के ऊपर है। ये दोनों सर्कुलेशन समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर तक एक्सटेंड हो रही है। जो साउथ म्यांमार वाली सर्कुलेशन है वह वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव करने की संभावना रख रही है। उस ऊपर तो सर्कुलेशन के प्रभाव की वजह से एक लो प्रेशर एरिया 23 तारीख के अराउंड फॉर्म होने की संभावना है ओवर वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल और नेबरहुड एरिया के ऊपर। इन सिस्टम के प्रभाव के चलते आज जो देवर में हमारा जो साउथ उड़ीसा और नॉर्थ कोस्ट उड़ीसा वहाँ पर फेलियर से डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया रेनफॉल का, और साउथ नॉर्थ इंटीरियर उड़ीसा में स्कैटर रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। आज कोस्टल उड़ीसा और अर्जनी डिस्ट्रिक्ट मयूरभंज के अंजर अनुगुल ढेंकरा देवगढ़ बोध कंधमाल कालाहांडी रायगढ़ कोरापुट नवरंगपुर नुआपाड़ा इन सब डिस्ट्रिक्ट में थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग के लिए येलो अलर्ट दिया गया है आइसोलेटेड प्लेस पे होने की संभावना की वजह से। डे टू में उम्मीद कर रहे हैं कि लो प्रेशर एरिया फॉर्म होगा, उसके प्रभाव की वजह से क्योंझर मयूरभंज बालासोर भद्रक केंद्रपाड़ा कटक जगतसिंहपुर गंजम गजपति रायगढ़ कोरापुट मलकानगिरी इन सब डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल होने की संभावना, जिसमें से येलो वार्निंग दी गई है। तो 24 तारीख को भी साउथ उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट जैसे गंजम गजपति कंधमाल कालाहांडी रायगढ़ नवरंगपुर कोरापुट मलकानगिरी इन सब डिस्ट्रिक्ट में येलो अलर्ट दिया गया आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल की संभावना की वजह से। 25 तारीख को बरगढ़ नुआपाड़ा बुलंगीर कालाहांडी नवरंगपुर कोरापुट मलकानगिरी इन सब डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेटेड प्लेस पे हैवी रेनफॉल की संभावना है, इसकी वजह से येलो वार्निंग दी गई है। 26 तारीख को कंधमाल कालाहांडी नवरंगपुर कोरापुट रायगढ़ में आइसोलेटेड प्लेस पे हैवी रेनफॉल की संभावना है, जिसकी वजह से येलो अलर्ट दिया गया है।